प्रणाम, हाय, हुशामुद्दीन, मैं तो अदरा हूँ आप सबके बिन। वेलकम टू सत्या बाय वे चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त सत्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं, इस पिक्चर का नाम है मोतीचूर चकनाचूर। आगे पिक्चर काफी अच्छा है, काफी अच्छा एंटरटेनमेंट है। इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो उनकी काफी उम्र हो चुकी है, 35 साल के हो चुके हैं, और वो लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि वो कैसे भी अपनी लाइफ में सेट हो सके और उनकी शादी हो। कैसे भी चलेगी, अंधी लंगड़ी लूली जैसे भी चलेगी, पर उनकी किसी भी तरह की शादी हो ये चाहते हैं। इस तरह लड़की ढूंढने निकलते हैं। और दूसरी बात, जो हीरोइन जो होती है, जो आतिया शेट्टी, जो फेमस एक्टर्स सुनील शेट्टी जी की बेटी है, इस पिक्चर में हीरोइन के रोल कर रही है, वो ये चाहते हैं कि उनको ऐसा बंदा मिल जाए, लड़का मिल जाए जो उन्हें विदेश घुमा सके, या तो विदेश में रहता हो, विदेश नागरिकता हो। इस तरह उनका सोच है ताकि वो फेसबुक में अपडेट करते रहे और अपने सारे फ्रेंड्स को बता सके, ये वो चाहती है इस तरह। और काफी बार उनके देखने आते होंगे, उन्हें लड़की देखने आते तो उन्हें मना कर देती है, उन्हें भगा देती है, इस तरह चलता रहता है। और इस तरह का एक माइंडसेट है, जैसे 90s किड्स के लोग जो होते हैं, 90s लोग में अगर देख सकते हैं, 10-15 साल के पहले लोग ऐसे करते थे कि जो विदेश में रहता है तो बंदा तो उसे लड़की दे देते हैं, और विदेश में रहती है कोई लड़की तो शादी कर लेते हैं, वहीं जाके विदेश में सेटल होने की सोचते हैं। बस इसी तरह थोड़ा कॉन्सेप्ट है इस तरह इस पिक्चर में दिखाया गया है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा एंटरटेनमेंट है, और लड़की इस तरह चाहती है कि उसको कैसे भी उसको एक विदेशी बंदा मिल जाए, विदेश में रहता हो, इंडियन हो और काफी अच्छा सेटल हो, इस तरह उसका माइंडसेट होता है। और आखिरी में कार हीरोइन की माँ जो होती है इस पिक्चर में, जो हीरोइन की माँ रोल कर रही है नवनी पारिकर जो है इस पिक्चर में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस, जो उन्हें एडवाइस करती है कि आप उसे शादी कर लो, जो बाजू में जो रहता है बाजू के घर में। और हीरो बेचारा लड़की ढूंढने में लगा रहता है, और जो हीरोइन की जो माँ इस पिक्चर में एक्टिंग की रोल की जो है वैभा चिब्बर जो इस पिक्चर में हीरो के माँ की रोल कर रही है, और काफी वो भी एकदम परेशान रहती है जैसे भी लड़के की शादी हो जाए। और जब भी उनको घर से कहीं से फोन आते थे कि लड़कियां तो सब लाइन में खड़ी है मेरे बेटे की, बेटे से शादी करने के लिए, इस तरह चलता रहता है। काफी इस तरह थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा गाने, थोड़े इस तरह चलता रहता है। फिर अचानक एक छोटा सा चेंजेस आता है कि हीरोइन जो है हीरो के साथ शादी करके अचानक घर के एंट्रेंस में खड़े हो जाते हैं, और ऐसा चलता है। आखिर में पता चलता है कि नहीं, हीरो जो है एक्चुअली ऑलरेडी दुबई जाके आ चुका है, पर यहाँ पे रहकर बेरोजगार है और यहाँ पे रहकर सिर्फ लड़की ढूंढ रहा है उसकी लाइफ में सेट होने के लिए। फिर थोड़ा डिस्प्यूट होता है, टू में होता है, फिर आखिर में थोड़ा सेटल होते हैं, इस तरह चलता है इस पिक्चर में। बाकी पिक्चर गाने काफी अच्छे हैं, एंटरटेनमेंट काफी अच्छा है, कॉमेडी काफी अच्छा है, इस तरह प्रेजेंटेशन है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा, आप देख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के टूर में, मुझे तो पिक्चर काफी अच्छा लगा। बाकी परिवार के साथ जाके देख सकते हैं, पिक्चर बहुत अच्छा है, देखिएगा जरूर अपने परिवार के साथ थिएटर में जाके, मुझे तो काफी अच्छा लगा। देखते हैं जब पिक्चर रिलीज हुई है तो बॉक्स ऑफिस में कितना जमा पा रही है और कैसे नाम कमा पा रही है और कैसे पैसे जमा पा रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल सत्या बाय वे को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़े बुजुर्ग का सम्मान कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। जय हिंद, वंदे मातरम।